नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज और कानपुर से खेलों राष्ट्रीय खेल दिवस पर खबर आ रही है। खो खो एसोसिएशन कानपुर नगर द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर के कॉलेज किदवई नगर पर आयोजित किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन कॉलेज के प्रधानाचार्य पूनम सिंह द्वारा किया गया और जिला विद्यालय क्रीड़ा समिति के कोषाध्यक्ष श्री नंद किशोर मिश्रा जी जो प्रिंसिपल हैं डीपीएस आजाद नगर के द्वारा वरिष्ठ अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। खिलाड़ियों के से खो खो एसोसिएशन कानपुर नगर के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रेयत ने परिचय किया एवं मुख्य अतिथियों का स्वागत किया। आयोजन सचिव निशा तोमर व सह सचिव मोनिका सिंह ने मुख्य अतिथियों का खिलाड़ियों से परिचय कराया। इस अवसर पर कानपुर ओलंपिक संघ के सचिव रजत आदित्य दीक्षित विशेष रूप से उपस्थित रहे। खो खो एसोसिएशन उपेंद्र सच्चान ने मुख्य अतिथियों का परिचय खिलाड़ियों से कराया। प्रतियोगिता के परिणाम इस प्रकार रहे। हॉकी बालिका में के गर्ल्स इंटर कॉलेज ने इंदो स्पोर्टिंग क्लब को 3-1 से पराजित किया। वॉलीबॉल बालक प्रतियोगिता में शिवाजी स्पोर्ट्स क्लब विजेता रही। बालिका वर्ग के गर्ल्स इंटर कॉलेज ने जोहारी देवी को 25-10 25-12 से पराजित कर विजेता बनी। टेबल टेनिस सीनियर बालक सुगर सिंह एकेडमी कोयला नगर विजेता रहे। टेबल टेनिस जूनियर बालक वर्ग टेबल टेनिस अकेडमी गोविंद नगर विजेता रहे। इस अवसर पर कबड्डी एसोसिएशन के सचिव वीर सिंह गहलोत ने कबड्डी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। इस अवसर पर अमरेश सिंह राजेंद्र वर्मा टेनी महेश प्रताप सिंह सुनीता यादव विनीता यादव क्षमा सिंह मनीषा शुक्ला फरीन ज्योति अतुल पटेल संजय चौरसिया सुनील शर्मा ज्योति कुमारी श्याम जी गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। खो खो एसोसिएशन कानपुर नगर के अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र सिंह रेयत ने विजेताओं को मोमेंटो एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक एथलीट खो खो एसोसिएशन कानपुर नगर का अध्यक्ष के कॉलेज में आज ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय खेल दिवस पर एक प्रतियोगिता के कॉलेज में आयोजित की जा रही है। इस अवसर पर जो भी हमारे अतिथि आए उनका सबका स्वागत है। इस प्रतियोगिता का सचिव मैं निशा तोमर जी से निवेदन करूँगा आए और इस अवसर पर आइए निशा तोमर जी राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी इसमें प्रिंसिपल हैं आप नौ में और सबसे पहले हार्दिक स्वागत है और बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपने समय हम लोगों को दिया और मैं एक मैसेज आपके सारी पब्लिक को देना चाहती हूँ कि हम लोग खेल को बहुत जमीनी स्तर से देखा है और निवेदन भी है कि जितने हम खिलाड़ी हैं हम सब एक होकर और पूरे कानपुर के सभी खिलाड़ी एक होकर और ऐसे ही जो अन्य हमारे नए खिलाड़ी बन रहे हैं उनको हम किसी न किसी रूप में मदद करते रहें और इस तरह के आयोजन जरूर करते रहें क्योंकि यही है जो हम लोगों को जिंदा रखते हैं और आज हम जो कुछ भी हैं वो इस खेल के दम पर हैं तो हम चाहते